हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम एमीटर कनेक्शन करंट ट्रांसफार्मर के साथ किस तरह किया जाता है सीखने वाले हैं। यदि हमारे पास कोई थ्री फेज लोड है और हमें मेजर करना है पर फेज कितना एम्प करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके लिए तीन एम्प मीटर कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, करंट ट्रांसफार्मर कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, आज के वीडियो में हम काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं। देखिए, हमारे पास थ्री फेज लोड होने वाला है और हमें पर फेज कितना करंट फ्लो हो रहा है उसे हर एक सेपरेट अमीटर में मेजर करना है। दैट मीन्स आर फेज का करंट इस एम्पमीटर में शो होगा, वाई फेज का करंट इस एम्पमीटर में शो होगा एंड बी फेज का करंट इस एम्पमीटर में शो होगा। इसलिए हमें तीन फेज के लिए तीन सीटी कनेक्ट करना होगा और तीन एम्पमीटर कनेक्ट करना होगे। यदि हम चाहते हैं कि तीनों फेजों में कितना करंट फ्लो हो रहा है, जस्ट ओनली हम एक ही एम्पमीटर द्वारा मेजर कर सके, तो उसके लिए वहाँ पर हमें सिलेक्टर स्विच कनेक्ट करना होगा। इससे पहले हमने वीडियो बनाया था, दैट मीन्स तीन फेज के लिए सिलेक्टर स्विच कनेक्शन किस तरह किया जाता है, एम्पमीटर कनेक्शन किस तरह किया जाता है। यदि आप वॉच करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। देखिए, हमें हर एक फेज के लिए सेपरेट एम्पमीटर कनेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं, हमारे पास कोई मोटर है, आपके पास कोई भी लोड हो सकता है। देखिए, हमारे पास ये हम मोटर होने वाली, इसमें हम हर एक फेज में कितना एम्प करंट फ्लो हो रहा है इस एम्पमीटर में शो करने वाले है। तो इसके लिए प्रॉपर कनेक्शन बेसिकली हम दो तरह से कर सकते हैं, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरह से कनेक्शन करना होगा। देखिए, हमारे पास इनपुट सप्लाई, सपोज हमने यहाँ पर एक MCCB कनेक्ट किया है। चलिए कनेक्शन हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। यहाँ पे पावर वायरिंग की बात की जाए तो देखिए, यहाँ पर RY भी हमने MCCB में इनपुट लाए हैं, इस MCCB से RY भी हमारे पास इस मोटर में आने वाले है। तो देखिए, सबसे पहले हम R फेज को कनेक्ट कर लेते हैं, बट कनेक्ट करने से पहले हम जिस आर फेस को यूज कर रहे हैं उसमें CT के अंदर से गुजारना होगा। देखिए, CT में यह जो अंदर से गुजारते हैं, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है और ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। हमें जिस भी लोड का करंट मेजर करना है उसे हम CT के प्राइमरी वाइंडिंग से गुजारते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में हम वहाँ पे करंट मेजर कर सकते हैं। बट आपको ध्यान यह रखना है, सपोज आपने यहाँ पे 100/5 या 100/5 का आपने करंट ट्रांसफॉर्मर लिया है, तो आपके पास एम्प मीटर भी 100/5 के होना चाहिए। दैट मीन्स एमीटर एंड CT का रेशियो सेम होना चाहिए। यदि आपने 200/5 लिया है तो करंट ट्रांसफॉर्मर भी आपके पास 200/5 का होना चाहिए, नहीं तो आपकी जो करंट की जो वैल्यू होगी वो एक्यूरेट नहीं आएगी। तो एम्प मीटर का रेशियो एंड करंट ट्रांसफॉर्मर का रेशियो सेम होना चाहिए, ये सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। देखिए, अब जो वाई फेज होने वाला है इसे हमें सेकंड सिटी से गुजारते हुए मोटर में कनेक्ट कर देना है इस तरह से। जो बी फेज होने वाला है इसे हमें थर्ड सिटी से गुजारते हुए लोड में कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा पावर वायरिंग CT से होता हुआ मोटर में कनेक्ट हो गया है। अब एम्प मीटर कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, CT का कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, हम समझ लेते हैं। देखिए, हमारे पास जो एम्प मीटर होता है उस एम्प मीटर में हमारे पास दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। और CT में भी हमारे पास दो वायर इस तरह से निकलते हैं, एक होता है बेसिकली देखा जाए तो P1 P2 प्राइमरी एंड सेकेंडरी होता है, तो इसमें भी आपके पास दो वायर मिलते हैं। तो हमें जस्ट सिंपल क्या कर देना है कि आपको पॉजिटिव को इस पॉजिटिव से कनेक्ट कर देना है एम्पमीटर के, और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर देना है। काफ़ी सिंपल होने वाला है। तो आप क्या होगा, देखिए, इस फेज में जितना भी करंट फ्लो होने वाला है वो CT द्वारा मेजर कर लिया जाएगा। बेसिकली जो CT होती है वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है एम्प मीटर के साथ। नॉर्मली एम्प मीटर को CT के साथ हमें सीरीज में कनेक्ट कर देना है, काफ़ी सिंपल होने वाला है। अब हमें सेकंड फेज से कनेक्ट करना है, तो देखिए, एम्प मीटर में हमारे पास जो दो टर्मिनल होने वाले हैं उसे हमें CT के दो टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है, काफ़ी सिंपल होने वाला है। इसी तरह हमारे पास बी फेज होने वाला है, तो बी फेज के लिए भी हमारे पास एक फेज को हमने एम्प मीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है और एक को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है। तो काफ़ी सिंपल कनेक्शन हो गया है। इस तरह से आप कनेक्ट करने से क्या होगा, आर फेज में जितना करंट फ्लो होने वाला है वह इस एम्प मीटर में शो होगा, वाई फेज में जितना करंट फ्लो होने वाला है वह इस एम्प मीटर में शो होगा एंड बी फेज में जो करंट फ्लो होने वाला है वह इस एम्प मीटर में शो होने वाला है। तो ये काफ़ी सिंपल था, हमने कुछ नहीं किया है, जस्ट एम्प मीटर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। अब आप इस कनेक्शन को दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, सेकंड मेथड क्या होने वाली है चलिए हम समझ लेते हैं। नॉर्मली आपके पास करंट ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी एंड सेकेंडरी इस तरह से गिवन होगा,
तो आप क्या कीजिए, प्राइमरी को या सेकेंडरी को, किसी भी एक को आपको शॉर्ट, तो देखिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो रेड वाला वायर होने वाला है, तीनों के रेड वायर को हम शॉर्ट करके स्टार बना लेते हैं। देखिए हमें क्या करना, स्टार यहाँ पर बनाना है, तो इसके रेड से इसके रेड को शॉर्ट कर लिया है और इसके रेड से इसके रेड को शॉर्ट कर लिया है। तो हमें क्या करना है, करंट ट्रांसफॉर्मर की एक एक वाइंडिंग को हमें इस तरह से शॉर्ट कर देना है। देख सकते हैं अब हमने शॉर्ट कर लिया है। अब हमारे पास देख सकते हैं सीटी में एक एक वायर बचा हुआ है। तो हमें क्या करना है, देखिए इस फेज का करंट हमें इस एमीटर से मेजर करना है, तो इसका जो एक वायर बचा हुआ है इसे हमें यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। अब आर फेज का करंट यहाँ पर मेजर किया जाएगा, वाई फेज का करंट यहाँ पर मेजर किया जाएगा और बी फेज का करंट यहाँ पर मेजर किया जाएगा। अब बात आती है एमीटर में हमें एक एक वायर और कनेक्ट करना है। तो जो हमने यहाँ पे शॉर्ट करके कॉमन टर्मिनल बनाया है, इस कॉमन टर्मिनल को हमें ले जाकर एक एक वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह से भी आपका क्या होगा, देखिए एक एक वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह से भी आपका एम्प मीटर कनेक्शन काफ़ी आसानी से हो जाएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा कनेक्शन करना है, काफ़ी सिंपल कनेक्शन होने वाला है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह एम्पमीटर कनेक्शन किया जाता है, किस तरह करंट ट्रांसफार्मर कनेक्शन किया जाता है। जस्ट आपको जो रेशियो का आपने करंट ट्रांसफार्मर यूज किया है, उसी रेशियो का आपको एमीटर भी यूज करना है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछें, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। और कोई टॉपिक हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही। Thanks, friends.